Welcome to the hashtag big breaking news of IPL 2021. The Board of Control for Cricket in India, BCCI, has indefinitely suspended Indian Premier League 2021. Yes, IPL 2021 ko anirdisht kaal ke liye BCCI ne suspend kar diya. Okay, to is video mein detail mein janne ka koshish karenge kya BCCI ne jo decision liya woh sahi decision hai, kya BCCI ke paas aur kuch vikalp bacha nahi tha, kya ye suspend karna chahiye tha ya nahi karna chahiye tha, aur aakhir mein jo decision liya woh sahi decision hai ya nahi. ओके तो सबसे पहले बात ये कि हम सबको पता है कल का जो मैच था आरसीबी बनाम केकेआर वो मैच रिशेड्यूल कर दिया गया था, मैच पोस्टपोन कर दिया गया था क्योंकि वरुण चक्रवर्ती एंड संदीप वॉरियर हैव बीन टेस्टेड कोविड पॉजिटिव. फिर सवाल ये था कि कलकत्ता नाइट राइडर्स का सिर्फ दो खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव थे या फिर और बहुत सारे थे, लेकिन आखिर में जब लेटेस्ट रिपोर्ट आया, रिपोर्ट के मुताबिक हमने ये सुनने में और ये जानने में कामयाब हुआ कि कलकत्ता नाइट राइडर्स का सिर्फ दो खिलाड़ी पॉजिटिव मिले, बाकी सब नेगेटिव थे और कलकत्ता नाइट राइडर्स का हर एक खिलाड़ी को आइसोलेशन पर भेजा गया, पूरा टीम आइसोलेशन पे कल भेजा गया और हमने ये सुना कि कोलकाता नाइट राइडर्स वन वीक नहीं खेलने वाले हैं. फिर कुछ वक्त बाद दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से न्यूज आया कि दिल्ली कैपिटल्स का जो स्टेडियम है अरुण जेटली स्टेडियम में ग्राउंड स्टाफ के कुछ मेंबर टेस्टेड कोविड पॉजिटिव. तो भाई ये परेशान की बात तो था, इसीलिए दिल्ली कैपिटल्स का प्लेयर हर एक प्लेयर को आइसोलेशन पे भेजा गया और जो लोग कोविड पॉजिटिव पहले रिपोर्ट में आए थे, फिर जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया था उस रिपोर्ट में वो लोग नेगेटिव थे. फिर भी दिल्ली कैपिटल्स का हर एक खिलाड़ी को आइसोलेशन पे भेजा गया क्योंकि पिछले मैच उन लोगों ने खेले थे कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ. तो ये सोचते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने अपना पूरा टीम को आइसोलेशन पे भेज दिया. ओके भैया, यहाँ तक तो आईपीएल पोस्टपोन होने का या फिर आईपीएल पूरे अनिर्दिष्ट काल के लिए बंद करने का कोई रीजन्स नहीं था इतना बड़ा, क्योंकि सिर्फ जो दो खिलाड़ी मिले थे कोविड पॉजिटिव, दोनों को हार्ड क्वारंटीन पे भेजा गया था और बाकी सब खिलाड़ी को कोविड का प्रोटोकॉल्स एंड रूल्स मानते हुए आइसोलेशन पे भेजा गया, दिल्ली कैपिटल्स एंड कोलकाता नाइट राइडर्स का हर एक खिलाड़ी को. तो आईपीएल होने का तो चांस था वहाँ पर. लेकिन फिर कुछ वक्त बाद हैरानी की बात यह है कि सीएसके की तरफ से भी कुछ कोविड पॉजिटिव की न्यूज़ेस आया. ये सीएसके का चीफ एग्जीक्यूटिव काशी विश्वनाथन, बॉलिंग कुछ एल बालाजी और एक बस ड्राइवर या फिर बस क्लीनर थे जो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे. लेकिन कल फिर हमने सुना कि जो तीन लोग थे सीएसके की तरफ से वहाँ से दो नेगेटिव आ गए थे और सिर्फ एल बालाजी कोविड पॉजिटिव. तो सीएसके ने कोविड का रूल्स और प्रोटोकॉल सब कुछ मानते हुए पूरा अपना टीम को आइसोलेशन पर भेज दिया था, इसीलिए होने वाला काल में जो मैच सीएसके बनाम राजस्थान रॉयल्स वह मैच रिशेड्यूल कर दिया गया था. सो ऑलरेडी तीन टीम थे कहां पर आइसोलेशन पे. पूरे तीन टीम आइसोलेशन पे होने का बावजूद बीसीसीआई ने कहा आईपीएल एज पर शेड्यूल चलता रहेगा, आज का जो मैच सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस वह मैच होगा. लेकिन आज का मैच पोस्टपोन कर दिया गया और रिशेड्यूल कर दिया गया कुछ वक्त पहले क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद का विकेटकीपर बैट्समैन रिद्धिमान शाह हैज बीन टेस्टेड पॉजिटिव. और सिर्फ रिद्धिमान शाह नहीं, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खबर आया कि दिल्ली कैपिटल्स का गेंदबाज अमित मिश्रा ऑल्सो टेस्टेड कोविड पॉजिटिव. आखिर में ऑलमोस्ट हर एक टीम से कोविड पॉजिटिव का न्यूज सुनते हुए बीसीसीआई ने ये डिसाइड किया कि आईपीएल को सस्पेंड कर देना चाहिए और फाइनली बीसीसीआई हैज ऑफिशियली सस्पेंडेड इंडियन प्रीमियर लीग 2021 इनडेफिनेटली.